नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो खंडेराव ने शराब छोड़ दी, वचन दे दिया अहिल्या को। इसके ऊपर मैंने अपनी खुशी व्यक्त की, आपके साथ शेयर की, और आपको भी मैंने कहा कि आप भी अपनी खुशियों को बताइए, व्यक्त कीजिए कमेंट सेक्शन में। और आपने भरपूर दिल खोल के अपनी खुशी को दिखाया, जताया और बढ़िया बढ़िया वाले कमेंट्स भेजे। तो चलिए शुरू करते हैं कमेंट की वीडियो इस खुशी के पल के लिए। चलिए शुरू करने से पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, उन लोगों के नाम आपको बताना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी खुशी को कुछ शब्दों में बयान किया है, क्योंकि वो इतने खुश थे कि उन्होंने उसमें बहुत 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 हैप्पीनेस को जताया है। और उन्होंने आई एम हैप्पी, जॉयफुल, ये सब कमेंट्स के साथ उन्होंने कमेंट किए हैं। तो वो एक एक का कमेंट जो मैं पढ़ने जाऊंगी तो लंबा समय हो जाएगा, क्योंकि कमेंट का कंटेंट एक ही है कि आई एम वेरी हैप्पी। तो उनके नाम मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि जो लोग खुश हैं और खुशियां बांट रहे हैं उनका नाम पढ़ना तो बनता ही है, आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है। उनके नाम पढ़ना चाहूंगी, वो है किरण गर्ग, यशिता विश्वकर्मा, दीपा चवन, प्रफुल्ला देसाई, कृष्णा कपूर, वंदना शर्मा, अनुश्री चवन, जया फैंस। तो ये सब लोग हैं जिन्होंने अपनी खुशी को दिखाया है आई एम वेरी हैप्पी लिख के। तो अब मैं पढ़ूंगी कमेंट के जी का, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया है और बहुत प्यार भेजा है अपने कमेंट में। और के अग्रवाल जी का कमेंट है ये, और उन्होंने लिखा है दोस्तों, दिस एपिसोड हैज बीन ए लैंडमार्क फॉर एन इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ यूनाइटिंग अहिल्या एंड खंडेराव इन लेटर प्रोमिसिंग टू क्विट ड्रिंकिंग एंड गेटिंग इंटॉक्सिकेटेड। दिस विल गिव एनकरेजमेंट टू अहिल्या टू कम बैक टू हर बेस्ट इन एवरी सेंस सो फार ऑन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर सेल्फ विच शी हैज बीन नोन फॉर। दिस शुड स्मूथर एंड नॉर्मलाइज Perhaps Khanderao's relationship with his father Malhar Rao Sahib, as I am not aware of storyline here in after. तो इस पार्ट में पर्टिकुलर, ये पार्ट में इस कमेंट को पार्ट पार्ट में ही आपको बताऊंगी, क्योंकि ये कमेंट बहुत अच्छा है। और इस पार्ट में इनका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उनको अच्छा लगा है कि किस तरह से अहिल्या ने और खंडेराव ने जो प्रॉमिस किया है ड्रिंकिंग को क्विट करने का, अच्छा लगा है। और ये जर्नी है उनकी दोनों की। तो और वो ज्यादा मल्हार राव होलकर साहब के बारे में जानते नहीं है, बट इस सीरियल से उन्होंने जानना शुरू कर दिया है। तो आगे वो लिखते हैं कि मिसेस शर्मा, योर नरेशन एंड कमेंट्री आर वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू बेटा फॉर योर क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू आर ह्यूमन वैल्यू सिस्टम एंड कंपेयरिंग दीज एक्टिविटीज ऑफ होलकर रॉयल्टी इन योर ऑब्जर्वेशन। आई एम एन ओल्ड मैन अबाउट 80 एंड बिसाइड्स बीइंग एन इंजीनियर ग्रेजुएटेड इन 1963 रीड विद इंटरेस्ट द पास्ट हिस्टोरिकल स्टोरी लाइन ऑफ आर ग्रेट कंट्री। वन वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन अबाउट द प्रेजेंट सीरियल, इट इज ब्यूटिफुल प्रेजेंटेड। सो दोस्तों उन्होंने आगे कमेंट में सीरियल के बारे में बहुत सारी तारीफ की है, और ग्रुप को, प्रोडक्शन हाउस को, चैनल को, सबको प्यार भेजा है, बधाई भेजी है इतने अच्छे एफर्ट के लिए। तो थैंक यू सो मच के जी आपके कमेंट के लिए। सर आपने इतने प्यार से ये चीज़ें लिखी हैं और मुझे इतना प्यार भेजा है, उसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि ये जो प्यार है जब पहुँचता है दिल पे तो बहुत अच्छा लगता है। और यही प्यार चाहिए होता है जो आगे आपकी और हिम्मत बढ़ाता है और आप आगे और भी अच्छा करने को मन करता है। तो मेरी तरफ से मेरे लिए भी थैंक यू, और उन सबके लिए थैंक यू जिनको आपने ये कमेंट भेजा है, उन सब टीम के लिए, सब डायरेक्टर सबके लिए मैं अपनी तरफ से आपको थैंक यू भेजती हूँ। तो दिल से आपका धन्यवाद। तो दोस्तों अगला कमेंट है जस्टिस सावित्री देवी जी का, ये लिखती हैं, इस प्यार भरे अनमोल तोहफे से अहिल्या के साथ साथ सभी दर्शकों को भी इस प्रकार की खुशी मिली है जैसे ये हमारे किसी घनिष्ठ संबंधी के साथ हुआ हो। धन्यवाद। बिल्कुल आपकी बात सही है सावित्री जी, क्योंकि जब हम कोई चीज देखते हैं, सीरियल देखते हैं या कोई फिल्म देखते हैं, कभी कभी कोई करेक्टर अपने दिल के इतना करीब हो जाता है कि उसके साथ अच्छा हो या बुरा हो हमें लगता है हमारे ही साथ हो रहा है, हम कनेक्ट हो जाते हैं। जब किसी ऐसे सीरियल को देखते हैं जिसमें कोई वैम्पिश करेक्टर हीरो के साथ या हीरोइन के साथ कुछ साजिश करता है तो हमें दुख होता है, हमारा मूड खराब हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही आपने लिखा है कि वो खुशी आपको मिली है क्योंकि आप अहिल्या के साथ जुड़ी हुई हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने भी इतनी खुशी व्यक्त की है। इसके बाद कमेंट है दोस्तों तृप्ति का, ये लिखती हैं,
सुन के बहुत खुशी मिली। अहिल्या को उसके अपनों के प्रति उसके प्रेम और निष्ठा का फल मिला। बहुत खुश हैं हम भी उसके लिए। करेक्ट है तृप्ति जी, और हम सब भी बहुत खुश हैं, क्योंकि ये होना ही था और होना ही चाहिए था, क्योंकि अहिल्या जिस काम को करने के लिए सोच ले वो कैसे नहीं होगा, ये तो हम अभी तक समझ ही चुके हैं। और अहिल्या के हर काम में एक सच्चाई होती है, इसलिए उसके काम पूरे होते हैं। कभी कभी समय ज़्यादा ज़रूर लगता है, मगर पूरे ज़रूर होते हैं। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है पारुल पटेल का, ये लिखते हैं, सो हैप्पी फॉर हर, शी डिजर्व्स सम हैप्पीनेस इन हर लाइफ, शी ट्राइज टू मेक वेरी वन एवरी वन हैप्पी, बट नो वन थिंक्स अबाउट हर एंड वट शी इज गोइंग थ्रू। बिल्कुल आपने सही कहा, मगर अब ऐसा नहीं है, वो पहले था, बट अभी उसके बारे में भी लोग सोचते हैं, मगर अहिल्या सोचने का मौका नहीं देती है दूसरों को। वो चीज़ों को डिस्कस ही नहीं करती है कि वो किसी परेशानी में है, क्योंकि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती है। तो बहुत सही है, आपने भी अपने प्यार भरे शब्दों से अहिल्या की खुशी में शामिल होने की जो कोशिश की है वो बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है रमीजा सैयद का, ये लिखते हैं, अब इंटरेस्ट आएगा सीरियल में। तो रमीजा जी का कमेंट मैंने इसलिए रखा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप देखते हो कि आपके पसंदीदा करेक्टर के साथ कुछ गलती होता जा रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रही है, तो इंटरेस्ट कम हो जाता है। अब खुशियां आई हैं अहिल्या की जिंदगी में, तो रमीजा जी का भी इंटरेस्ट जो है अब सीरियल देखने में बन गया है। तो गुड है, आपका पॉइंट अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है राजेंद्र कुमार जी का, ये लिखते हैं, रियली इट इज गुड ट्विस्ट इन दिस स्टोरी। बिल्कुल आपकी सही बात है, बहुत लोगों ने देख लिया कि अहिल्या के साथ ही जुल्म हो रहे हैं, अहिल्या कुछ कर नहीं पा रही है, वो सब देख लिया। अब ये ट्विस्ट जो आया है, इससे स्टोरी जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब खंडेराव आए थे और जब उनको पहली बार अहिल्या ने शराब पीते हुए देखा था, तो अहिल्या का तो दिल टूटा ही टूटा, बाकी लोगों का भी दिल टूट गया था, और उनका इंटरेस्ट जैसे पहले कमेंट में कहा है कम हो गया था। अब ये ट्विस्ट जो है इंटरेस्ट को बढ़ाएगा, और होशो हवास में जब खंडेराव अपनी बातें अपने बाबा साहेब से भी करेंगे और उनका गुस्सा भी कम होगा, तो फिर चीजें अलग होंगी। तो ये ट्विस्ट डेफिनेटली बहुत बड़ा काम करने वाला है इस स्टोरी में। और अगला कमेंट है दोस्तों नीलेश का, ये लिखते हैं, खंडेराव अपना काम निकालने के लिए ऐसा कह रहे हैं। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू अपना है बट अलग है, कि खंडेराव अपना काम निकालने के लिए ऐसा कह रहे हैं, बट आपसे मैं ये बात जरूर शेयर करना चाहूंगी नीलेश जी, कि खंडेराव अपना काम निकालने के लिए फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करेक्टर उनका है ही नहीं। वो रूड हो सकते हैं, वो बदतमीज हो सकते हैं, मगर वो ऐसे नहीं हो सकते कि अपना काम निकालने के लिए इतना बड़ा वचन अपनी ही अहिल्या को दे दे। तो ये ऐसा नहीं है, और इस बात से आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, ऐसा नहीं करने वाले हैं। वो वचन दिया है तो दिया है, बट उस वचन को निभाने के लिए कठिनाइयों का सामना उनको जरूर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अनिल शंकर जी कहते हैं, प्लीज अपलोड 2 days फुल एपिसोड प्लीज, आई वॉज सो ईगरली वेटिंग फॉर, प्लीज अपलोड इट। तो अनिल जी, ये मैंने आपका इसलिए किया है ताकि बाकी व्यूअर्स को भी इस बात को लेके हम बता सके कि जो एपिसोड्स हैं वो चैनल जो होता है सोनी चैनल जिस पे ये शो आता है, उन्हीं के पास ये राइट्स होते हैं एपिसोड को अपलोड करने के, हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको एपिसोड देखना है तो आपको उनकी ऐप पे जाना पड़ेगा, सोनी लिव ऐप पे वो अपलोड होते हैं एपिसोड, वहां पे जाके आप हर एपिसोड को देख सकते हैं, जो भी आपका मिस होता होगा तो वो आप जरूर कर सकते हैं। बाकी हमने आपकी बात का जवाब दे दिया है, आपको हेल्प मिलेगी इससे और एपिसोड आप देख पाओगे। तो ये है दोस्तों आज के कमेंट्स। चलिए जाते जाते आपको मैं सुनाती हूँ यामी जी का ऑडियो, जिसमें उन्होंने भी अपनी खुशी व्यक्त की है इस पल को लेके, सुनिए क्या कहती हैं। हेलो हंग्री स्पिरिट्स चैनल, अंजू जी कैसी हैं आप? मैं यामी कदम सूरत से बोल रही हूँ। आपने एक अपडेट दिया था कि दे के वचन खंडेराव ने मिटा दी अहिल्या के साथ अपने रिश्ते की दूरियाँ, और मिल गया अहिल्या को विजयादशमी का तोहफा। तो उसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि अहिल्या और खंडेराव का जो रिश्ता है वो एक ईमानदारी का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, दर्द का रिश्ता है, और पवित्रता का रिश्ता है, क्योंकि दोनों ने बहुत ही छोटी आयु में, छोटी सी उम्र में शादी की। दोनों की शादी बहुत छोटी सी उम्र में हुई, और अहिल्या तो खंडेराव भी बच्चे थे 14 साल के, और अहिल्या थी सिर्फ 9 साल की। लेकिन जब शादी के बाद
खंडेराव से एक ऐसी गलती हो जाती है और खंडेराव को भेज दिया जाता है 7 साल के लिए गुरुकुल, एक अच्छा और सक्षम युवराज बनने के लिए। तब जो दूरियां खंडेराव और अहिल्या में आती है, दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं और एक दूसरे की याद में बहुत ज़्यादा तड़पते हैं। और जो 7 साल पहले खंडेराव और अहिल्या के रिश्ते में प्यार था, आज भी वही प्यार हमें दिखता है। और ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अहिल्या और खंडेराव का जो रिश्ता है वो एक मिसाल है, एक प्यार की मिसाल है, एक दोस्ती की मिसाल है और एक पवित्र पवित्र रिश्ते की मिसाल है। तो अहिल्या और खंडेराव ने अपने रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से की और दोनों बड़े हो चुके हैं अब, और दोनों का जो रिश्ता है वो दोस्ती से प्यार में बदल चुका है। तो विजयादशमी आ गई है, तो विजयादशमी के दिन अहिल्या ने खंडेराव से एक वचन मांगा। पहले तो खंडेराव ने अहिल्या पर गुस्सा किया कि ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये नहीं हो सकता। बल्कि खंडेराव ने कुछ कहा ही नहीं। जब अहिल्या ने कहा कि मुझे आपसे विजयादशमी के दिन एक तोहफा चाहिए, तो खंडेराव ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए तोहफे में, तुम जो मांगोगी वो हम तुम्हें देंगे। तो अहिल्या ने कहा कि आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। तो खंडेराव जो है वो समझ गए कि अहिल्या क्या चाहती है। तो खंडेराव ने गुस्सा किया और खंडेराव वहाँ से चले गए। तो अहिल्या के साथ एक ऐसी घटना हो जाती है खंडेराव के जाने के बाद, जिसके कारण खंडेराव को जो है वो अहिल्या की बात माननी ही पड़ती है। तो अहिल्या जो है वो रसोई में काम कर रही होती है और उसने तेल गरम करने रखा होता है, कुछ तलने वाली होती है अहिल्या। तो अहिल्या इतनी परेशान होती है, बार बार वो गौतमा बाई की बातें और खंडेराव की बातें याद कर रही होती है, जिसके कारण वो बहुत परेशान होती है। तो वो जो तेल रखा हुआ होता है ना चूल्हे पर, वो तेल सारा जो है वो अहिल्या के पैरों पर गिर जाता है और अहिल्या का पैर जो है वो थोड़ा जल जाता है। और ये सब खंडेराव देख लेते हैं। तो खंडेराव अहिल्या को उठाकर कमरे में ले जाते हैं और अहिल्या की चोट पर जो है वो लेप लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अहिल्या मना कर देती है। तब खंडेराव को एहसास होता है कि अहिल्या जो कह रही है वो गलत नहीं है। और हरकू रानी भी जिस तरह से खंडेराव को पूरा अहिल्या का 7 साल का जो सफ़र अहिल्या ने किस तरह से काटा है खंडेराव की याद में, उसे पूरा खंडेराव के सामने रखती है, तब खंडेराव को एहसास होता है कि अहिल्या को इस वक्त जो है वो खंडेराव के साथ की और खंडेराव के प्यार की बहुत ज़रूरत है। तब खंडेराव जो है वो अपने मन में ठान लेते हैं कि मैं अहिल्या को आज के दिन जो उसने मांगा है वो उसे ज़रूर दूंगा। तो हरकू रानी की बातों को गौर से सुनने के बाद खंडेराव अपने मन में ये निश्चय करते हैं कि अब मैं अपने अंदर बहुत सारा बदलाव लाऊंगा, जिससे अहिल्या बहुत ही खुश हो जाएगी, जिस पर अहिल्या को गर्व होगा अपने छोटे सूबेदार पर। तो खंडेराव अहिल्या को वचन देते हैं विजयादशमी के दिन। खंडेराव कहते हैं कि हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम आज के बाद जो है वो शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे, कभी शराब नहीं पियेंगे। तो अहिल्या की खुशी का जो है वो कोई ठिकाना नहीं रहता। तो अहिल्या बहुत ही खुश हो जाती है कि खंडेराव ने मेरी बात मान ली है।
और ऐसा नहीं है कि खंडेराव अहिल्या की कोई भी बात नहीं सुनते। अहिल्या की बात खंडेराव जो है वो बड़े गौर से और शुरू से ही सुनते आ रहे हैं। जब से खंडेराव छोटे थे तब भी से वो अहिल्या की बात सुनते आ रहे हैं। और गुरुकुल में जो गए थे ना 7 साल के लिए खंडेराव, उस वो गुरुकुल में जाने के लिए भी अहिल्या ने खंडेराव को समझाया था। तभी तो आज खंडेराव एक सक्षम योद्धा, एक युवराज, भावी युवराज बनकर लौटे हैं। और ये सब जो खंडेराव में बदलाव आया है वो सिर्फ़ और सिर्फ अहिल्या के कारण आया है। तो अहिल्या को जो तोहफा मिला है ना आज के दिन, उस तोहफे को पाने के बाद अहिल्या तो खुश है ही, लेकिन अहिल्या के साथ मैं भी बहुत खुश हूँ कि अहिल्या जो मेहनत कर रही थी खंडेराव पर, जो उसकी कोशिशें थी, वो आखिरकार कामयाब हो गई। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और खंडेराव ने सामने से अहिल्या को ये वचन दे दिया कि हम आज के बाद शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे, कभी शराब नहीं पिएंगे। तो ये एक अच्छे पति की निशानी है, एक आदर्श पति की निशानी है। जो खंडेराव ने आज किया है वो एक आदर्श पति की मिसाल है। ऐसा नहीं है कि खंडेराव जो है वो चोरू के गुलाम है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि खंडेराव इस बात को समझते हैं कि अहिल्या जो कुछ भी कहती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसलिए खंडेराव हमेशा ही अहिल्या की बात को मानते हैं और सुनते भी हैं। तो मुझे खुशी है कि अहिल्या की मेहनत जो थी खंडेराव पर वो आखिरकार सफल हो गई और अहिल्या जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो गई और उसकी मेहनत भी सफल हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। मैं यामी कदम सूरत से। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के कमेंट और यामी जी का ऑडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.